सिर्फ 8 घंटे में दिल्ली से कटरा। माता के भक्तों को रेलवे का नया तोहफा, सफेद चमचमाती ट्रेन, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और सुविधाएं उतनी ही शानदार। माँ वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये भारतीय रेल की नई सौगात है। इस ट्रेन के जरिए दिल्ली से सिर्फ 12 घंटे में कोई भी श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगा सकेगा। इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी रफ्तार मुसाफिरों के 4 घंटे का वक्त बचाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का दिल्ली से कटरा के बीच ट्रायल रन सोमवार को शुरू हो गया। अभी दिल्ली से कटरा पहुंचने में मुसाफिरों को 12 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस हाई स्पीड ट्रेन के आने के बाद सिर्फ 8 घंटे में यात्रा पूरी कर ली जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना हुई। इसके अम्बाला पहुंचने का टाइम सुबह 8:10 था और लुधियाना पहुंचने का टाइम 9:19 रहा। जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का इसका टाइम 12:30 का है और ये दोपहर 2 बजे तक कटरा पहुंचेगी। वहीं वापसी में 3 बजे कटरा से चलकर 4:13 पर जम्मू, शाम 7:32 पर लुधियाना पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। अब तक भारत की ट्रेनों में एक अलग इंजन कोच होता है, जबकि ट्रेन 18 में बुलेट या मेट्रो ट्रेन जैसे इंजन है। ट्रेन में एसी चेयर कारों के कोच है जिनमें 2 बैठने के विकल्प दिए गए हैं, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव क्लास। वंदे भारत एक्सप्रेस में दरवाजे मेट्रो की तरह ही ऑटोमेटिक है। ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे केवल तभी खुलेंगे जब ट्रेन पूरी तरह से रुक जाएगी। ट्रेन तभी चलना शुरू करती है जब दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग करने के लिए ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा है। इसके अलावा मोबाइल फोन या टैबलेट पर कुछ पढ़ने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रेन में जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली भी है जो आपको आने वाले स्टेशनों के बारे में जानकारी देगी। ये शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती है, लेकिन फिलहाल मौजूदा ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस ट्रेन का किराया फिलहाल फिक्स नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि अब दिल्ली के लोग सिर्फ 2 दिन में वैष्णो माता के दर्शन कर अपने घर लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।